दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में हुई पुलिस की कार्रवाई व फायरिंग में एक छात्र की मौत हुई है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर अनुराग की बहन मांगे सीबीआई जांच। जिस तरह मुंगेर में बड़ी दुर्गा विसर्जन के दौरान यह हिंसा हुई और इसमें अनुराग की मृत्यु हो गई, यह बेहद दुखद है। इन सभी घटनाओं के हो जाने के बाद अभी तक फिलहाल पुलिस पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बिहार पुलिस को सस्पेंड करके ही इंसाफ मिलेगा या फिर और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसी को लेकर के आपकी बहन के साथ साथ अनुराग के पूरे परिवार की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इस घटना को लेकर के सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यह घटना धीरे धीरे बहुत बड़ा बनता जा रहा है। इसमें सिर्फ बिहार पुलिस के ट्रांसफर और लाइन हाजिर होने से इंसाफ अनुराग को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अनुराग के परिवार में जो अनुराग की बहन है उसका कहना यह भी है कि उसके पास वो सारे सबूत हैं जो कि पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है, इसीलिए वह सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसके साथ ही अनुराग की बहन को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसको इस तरह समझिए, अगर कोई डॉक्टर बीमार पड़ता है तो वह इलाज अपना खुद नहीं कर सकता, उसी तरह अगर पुलिस कोई क्राइम करती है तो उसको सजा पुलिस कैसे दिलाएगी। सीधा बात है कि यहाँ पर एक तरफा लिया जा रहा है और अनुराग को इंसाफ मिलने में देरी की जा रही है। इस घटना पर जल्द से जल्द अनुराग को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मुंगेर के लोग काफी आक्रोश में हैं और इसको लेकर के यहाँ पर शांतिप्रिय प्रदर्शन भी जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना में क्या अनुराग को इंसाफ मिलता है और जो परिवार का मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसको लेकर के क्या यहाँ पर सीबीआई जांच होती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। अगर इतना बड़ा घटना होने के बाद जो कि खुलेआम सारे पब्लिक के बीच में हुआ, जहां पर सीधा आरोप मुंगेर प्रशासन पर लगा है, अगर इस घटना पर सही से इंसाफ नहीं होगा तो आम जनता तो यही समझेगी कि पुलिस ही पुलिस का पक्ष ले रही है और यह समाज में बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। इसके साथ ही गलत संदेश भी समाज के कई लोगों पर जाएगा। आगे क्या होता है इस घटना पर सारा अपडेट आपको मिलता ही रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।